नमस्कार दोस्तों, मैं फागु महतो एक बार फिर आपको अपने इस YouTube चैनल करियर अपडेट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक बार फिर एक बड़ी वैकेंसी की घोषणा की है। इससे पहले मैं बता दूँ कि रेलवे ने दो बड़ी वैकेंसियाँ ऑलरेडी घोषणा कर चुकी है। पहला था आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, उसके बाद फिर ग्रुप डी का, और इस बार रेलवे ने लगभग 50,000 पोस्ट के लिए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की वैकेंसी का घोषणा की है। तो इस वीडियो में हम लोग ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स की डिटेल जानकारी को जानेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है ASM का, ये आपका इंडिया टुडे और फाइनेंस एक्सप्रेस पेपर के आधार पर ली गई है। तो चलिए देखते हैं, ASM का जो एग्ज़ाम है वह आपका कंडक्ट किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा। रेलवे के जितने भी जॉन हैं सभी में ये वैकेंसियाँ होगी। नेम पोस्ट आपका है ASM यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। कुल पदों की संख्या आपका है लगभग 50,000। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष, साथ ही साथ अच्छी फिजिकल स्टैंडर्ड। पे स्केल है आपका 52,200 से लेके 20,200 तक की, और ग्रेड पे आपका 2,800 रुपये है। और इस वैकेंसी के लिए आपका एज रखा गया है 18 वर्ष से लेके 32 वर्ष तक, और एज की गणना जो है आपका 1 जुलाई 2018 के अनुसार होगा, और एज में छूट है वह गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार होगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के चार्ट में देख रहे हैं कि किस कैटेगरीज के लिए एज में कितना छूट दी गई है। अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC के पुरुष वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 500 रुपये है, और यदि आप ST, SC, PWD, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 250 रुपये, और साथ ही साथ महिला वर्ग के लिए भी 250 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का जो मोड है, आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर SBI के चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग ASM पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जाम्स के पैटर्न्स को देखते हैं। तो सिलेक्शन के लिए इसमें चार स्टेप होगा। पहला जो आपका है रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT एग्जाम्स होगा। रिटन एग्जामिनेशन के दो फेज होंगे। फर्स्ट स्टेज जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जैसे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका जो समय 1 घंटा का रहेगा और 75 मार्क्स होंगे। जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपको मेन एग्जाम्स में अपियर होना होगा। मेन एग्जाम्स का जो सिलेबस है वह है मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। इसके लिए आपको लगभग 2 घंटे 30 मिनट की समय दी जाएगी, और इसमें क्वेश्चन 175 अंक के हो सकते हैं। मेंस और PT के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका वह इंटरव्यू है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम लोग ASM के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने का संभावित तिथि को देख लेते हैं। वह है आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने का प्रारंभिक तिथि 20 फरवरी 2018 से है। अंतिम तिथि अभी घोषणा नहीं की गई है, और मैं बता दूं कि इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगा, चाहे वो डेट से संबंधित अपडेट हो या फिर इसके सिलेबस से संबंधित अपडेट हो या पैटर्न से संबंधित अपडेट हो, जो भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका मिलते रहेगा। अब देखते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आप आवेदन जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में करना चाह रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर दिए गए डेट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अधिक से अधिक व्यक्तियों के बीच में शेयर करें।